इस दुनिया में हर कोई जीने के लिए काम तो करता ही है, कोई जॉब करता है तो कोई बिजनेस, पर क्या पैसा इतना ताकतवर है कि लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं? ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको इसका जवाब मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक, दुनिया की 7 सबसे चौंकाने वाली नौकरियों की। नंबर 7, प्रोफेशनल मॉर्नर। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना जरूर है, जिंदगी कब किसका साथ छोड़ जाए क्या पता। हमें तो ये भी नहीं पता कि मौत के बाद होता क्या है। एशिया के कई प्रांत में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार बड़ा हो जाए तो उस इंसान के मरने के पश्चात की जिंदगी काफी अच्छी गुजरती है। इसीलिए ऐसा मानने वाले लोग किसी के मरने के बाद प्रोफेशनल मॉर्नर यानी कि नकली शोक करने वाले लोगों को पैसा देकर बुलाते हैं। ये लोग इस पूरी अंतिम विधि के दौरान शोक मनाते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं। अगर आपको अब से किसी के अंतिम संस्कार में बहुत ज्यादा लोग दिखे तो जरूरी नहीं कि मरे हुए इंसान ने काफी सारे लोग जोड़े होंगे, शायद उसके पास पैसा अच्छा होगा इसीलिए उसकी शोक यात्रा इतनी बड़ी है। नंबर 6, प्रोफेशनल स्लीपर। होटल मालिक हमेशा अपने कस्टमर के कम्फर्ट का ख्याल रखते हैं, इसीलिए कोई भी होटल किसी कस्टमर को रूम मुहैया कराने से पहले वो कस्टमर उसे दी गई सुविधा से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, इसी हिसाब से सारी व्यवस्था की जाती है। फिनलैंड के एक होटल में प्रोफेशनल स्लीपर नाम की एक पोस्ट है। ये प्रोफेशनल स्लीपर्स होटल में कई दिन रहकर वहाँ के बेड्स और रूम कितना सोने लायक और आरामदायक है इसकी समीक्षा करते हैं। अब किसी को सिर्फ आराम से सोने के लिए पैसे मिलते हो तो ऐसा काम कौन नहीं करना चाहेगा दोस्त। नंबर 5, डॉग फूड टेस्टर। आपने कभी ये सोचा है कि जो खाना कुत्तों के लिए बना होता है उसकी टेस्ट अच्छी है या बुरी, ये कौन तय करता है? अब कोई भी कुत्ता डॉग फूड खा के ये तो नहीं कहेगा कि मालिक ये वाला जरा ज्यादा खट्टा है। इसीलिए जो भी खाना, चाहे वो हड्डियां हो, मांस हो या कुत्ते की बिस्किट हो, उसे सबसे पहले इंसान ही टेस्ट करता है और ऐसे लोगों को कहा जाता है डॉग फूड टेस्टर। सबसे अच्छे डॉग फूड टेस्टर को अच्छी सैलरी भी मिलती है और यही वजह है जो कुत्ते का खाना बनाने वाली कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं। नंबर 4, स्नैक टीजर। कहते हैं कि जिनके पेट उनके हाथों पे होते हैं उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं होती, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। अब यही देखिए ना, ये इंसान अपने पेट के लिए 6 जहरीले कोबरा के साथ हर रोज खेलता है। इनमें से कौन सा नाक कब इसे काट जाए और इसे मौत के मुंह में ढकेल दे पता नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के सामने ये सबसे खतरनाक करतब दिखाने से ये जरा सा भी नहीं डरता। नंबर 3, नेटफ्लिक्स व्यूअर। अगर आपसे कोई कहे कि आपको दिन भर वीडियो या फिल्में देखनी है और आपको इसके लिए पैसे भी दिए जाएंगे तो क्या आप ऐसा काम करना चाहोगे? भाई मैं तो ऐसा काम जरूर करना चाहूंगा। नेटफ्लिक्स जो कि एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मूवी टीवी शोज प्रोवाइडर कंपनी है, वो कोई भी मूवी या शोज दर्शकों को दिखाने से पहले ऐसे लोगों को दिखाती है जो ऐसे मामले में जानकार हों। इस काम के लिए चुने लोग ये देखते हैं कि निश्चित शो और मूवी के लिए दिए गए टैक्स और कंटेंट सही से मैच होते हैं या नहीं, और इस चीज के लिए उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। नंबर 2, ट्रेन पुशर। भाई अगर आप सोचते हो कि भारतीय रेल जितनी भीड़ किसी और देश में नहीं होगी तो आप गलत सोचते हो। जापान के लोगों को भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए जापानी सरकार ने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है जो इस भीड़ को अच्छी तरह से संभाल सके। इन्हें ट्रेन पुशर कहा जाता है। जैसे हम लोग अपना सामान किसी बैग में दबा दबा के भरते हैं, वैसे ही ये ट्रेन पुशर लोगों को ट्रेन में दबा दबा के भरते हैं। नंबर 1, कार प्लेट ब्लॉकर। कुछ सालों पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रास्तों पे दौड़ती कारों की संख्या कम करने के लिए और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था, जिसके तहत एक दिन ऑड और एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां ही रास्ते पर दौड़ सकती थी। पर ईरान देश ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था, पर इससे बचने के लिए ईरानियंस ने एक अजीब तरीका अपनाया। अमीर लोग ऐसे लोगों को हायर करने लगे जो उनके नंबर प्लेट के पीछे खड़ा रहे और उनका नंबर प्लेट कैमरे में न दिखाई दे, इससे वो हर दिन अपनी कार रास्ते पर दौड़ा पाते। पर किसी भी कार के पीछे हर दिन खड़े रहने के लिए काफी सारे संयम की जरूरत होती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।